मधुरा स्मृतिश्चा बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारक वेदवेद्यं परं ब्रह्म वासतां हृदये मम पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः जनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः श्री राम जय राम जय जय राम 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 धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सर्वनाश हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद हो भारत अखंड हो सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की चक्र सुदर्शन महाभाग की हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय सखी है नंद तनय आगच्छति मंदम मंदम मुरली रणनय समधिक सुखम प्रयच्छति सखी नंद तनय आगच्छति चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वन माली जय जय केली चलन मणि कुंडल मंडित गंडयुग स्मितशाली जय जय कहे रे वन खोजन जाई सदा
सुख निरंजन तेरे संग समाई गाये रे वन को जन जाई जल बिच मरत पियासा पानी में ठार पीवे नहीं मूरख अच्छा जल है खासा जल बिच मरत पियासा आनंद सिंधु मध्य तव वासा बिनु जाने कत मरसि पियासा शिव शिव जपत मन आनंद जाहि सुमिरत विघ्न विनसत कटत यम के फंद शिव शिव जपत मन आनंद नारायण कांतु छः सौ आनंद बामती दूसरा पैरा चलेगा तदेतत् प्रधानानुमानं दूषयति तत्र वदामः इति सांख्यों के यहाँ त्रिगुणात्मक प्रधान ही जगत का उपादान कारण सिद्ध होता है। उनके यहाँ ईश्वर की स्वीकृति नहीं है। प्रकारांतर से जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण वे त्रिगुणात्मिका प्रकृति को मानते हैं, जिसको त्रिगुणात्मक प्रधान भी कहा जाता है, अव्यक्त भी कहा जाता है। अब प्रश्न उठा कि जगत का उपादान कारण त्रिगुणात्मक प्रधान है, इसमें उपोद्वलक क्या हेतु है। उत्तर दिया कि उपादान कारण के कार्य में अनुगति परिलक्षित होती है। जगत सुख दुख मोहात्मक सिद्ध होता है। कोणी की प्रगल्भता से सुख की, पाप की प्रगल्भता से दुख की, तमोगुण की प्रगल्भता से मोह की प्राप्ति होती है। सत्वगुण सुखप्रद है, रजोगुण दुखप्रद है, तमोगुण मोहप्रद है। सुख दुख और मोह की अनुवृत्ति से सिद्ध है फलबल। यह सिद्धांत उद्भासित है कि जगत का उपादान कारण और निमित्त कारण भी त्रिगुणात्मक प्रधान ही है। अतः ईश्वर परक वचन प्रधान में ही चरितार्थ कर लेना चाहिए, नियोजित कर लेना चाहिए, प्रयुक्त बनना चाहिए।
उपादान कारण की बात तो यूँ हो गई कि कार्य में सुख दुख मोह की अनुगति है, निमित्त कारण कैसे सिद्ध होगा, तद इच्छा तस इच्छां चक्रेशो कामयत आदि जो ईश्वर परक ब्रह्म परक वचन हैं उनको प्रधान में कैसे चरितार्थ करेंगे, इसका उत्तर उनके यहाँ है कि सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण की प्रगल्भता से प्रधान एक क्षणकर्ता हो जाएगा, तमोगुण जो है वह जगत के रूप में परिणत हो जाएगा। इस प्रकार निमित्तता उपादानता दोनों ही प्रधान में चरितार्थ होगी, निमित्त कारण और उपादान कारण। निमित्त कारणता सत्वगुण की प्रधानता से, उपादान कारणता तमोगुण की प्रधानता से यह तथ्य है। लेकिन एक क्षण जो होता है जड़ पदार्थों में गौण ही मान्य है, अनंत कोटि ब्रह्मांड या चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश सन्निहित हैं, स्थावर जंगम प्राणी सन्निहित हैं, इन सब की संरचना बुद्धिपूर्वक ही हो सकती है, कोई चेतन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ही कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रधान को उपादान कारण निमित्त कारण मानना उचित नहीं है, सर्वेश्वर की स्वीकृति के बिना काम नहीं बनता। लोक में देखा जाता है कि मिट्टी है लेकिन मिट्टी अपने आप रुढ़क पुरक करके घटाधिकारियों के रूप में उल्लसित नहीं होती, मिट्टी को कुंभकार कुलाल घटाधिकारियों का रूप प्रदान करता है, सुवर्ण को आभूषणकार कटक मुकुट कुंडलादि का रूप प्रदान करता है। इसी प्रकार से अर्जुन को, रजत को अर्जुन भी कहते हैं, रजत का एक नाम अर्जुन है, अर्जुन एक वृक्ष भी होता है, अर्जुन का अर्थ ऋजु स्वभाव संपन्न भी है, पांच पांडवों में भी एक पांडव अर्जुन है। तो रजत को पात्र का आभूषण का रूप प्रदान करने वाला कोई मिस्त्री होता है। इस प्रकार से पहले तो जगत का निमित्त कारण ईश्वर को मानना चाहिए, इतनी सहिष्णुता प्राप्त हो जाए तब उपादान कारण भी ईश्वर को मान लेंगे, तभी अभिनिमित्तोपादान कारणता ईश्वर में चरितार्थ होगी। कल कहा गया कि उपादान कारण न माने केवल निमित्त कारण ही माने तो क्या आपत्ति। सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में शास्त्रों का तात्पर्य होता है पहले निमित्त कारण के रूप में ही ईश्वर को स्वीकार करें, यह भी बहुत कठिन काम है, लेकिन जब इतनी सहिष्णुता जीवन में आ जाए तब निमित्त ही नहीं अपितु उपादान कारण के रूप में भी ईश्वर को स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर ही जगत बनाते हैं, ईश्वर ही जगत बनते भी हैं। अगर ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानेंगे तो नित्यता तो सिद्ध हो जाएगी ईश्वर में, कथनचित विभुता भी सिद्ध हो जाएगी, लेकिन सर्वरूपता सिद्ध नहीं होगी। तो अनंत वही होता है जो काल के द्वारा कबलित न हो, देशांतर के द्वारा कबलित न हो, वस्तुअंतर के द्वारा कबलित न हो। अनंत किसको कहेंगे, काल कबलित न हो अर्थात सदा रहने वाला हो वो अनंत होगा, सर्वत्र हो
उद्देश्यकृत परिच्छेद शून्य होगा, सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान सर्वरूप होगा, वस्तुकृत परिच्छेद शून्य होगा। जब निमित्त कारण प्रधान है, त्रिसहिष्णुता प्राप्त हो जाए तो उपादान कारण भी प्रधान है। ऐसा प्रधान का अर्थ प्रधीयते निधीयते अस्मिन् प्रलय काले जगत यह है, अप्रधीयते क्रियते अन्य जगत, दोनों प्रकार से प्रधान की व्युत्पत्ति की गई। अर्थात प्रधीयते क्रियते अन्य जगत, जिसके द्वारा जगत की संरचना होती है तो प्रधान है। प्रधीयते निधीयते अस्मिन् प्रलय काले जगत, प्रलय काल में जिसमें जगत समाहित हो जाता है वो प्रधान है। हाँ बढ़ जाओ भाई। इस प्रकार प्रधान क्या है, जगत का उत्पादक भी जगत, उससे उत्पन्न भी सिद्ध होता है, उत्पत्ति स्थान भी जगत का वह सिद्ध होता है, प्रलय स्थान भी वह जगत का स्थित होता है। तो बीच वाला जो रह गया स्थिति वो अपने आप सिद्ध हो गई। जो आदि अंत में रहता है वह मध्य में भी उसकी विद्यमानता रहती है। आदा वंते च मध्ये च सिज्यं सिद्ध्यात् यत्वन्वयात् पुनः तत्पत संक्रामे योच्छिष्यत् तदेव सत्। भागवत के अनुसार आदा बनते तो यह नास्ति वर्तमान भी तथा मांडुक कारिका आदि, आदि और अंत में जो नहीं है वह मध्य में भी नहीं है। इस प्रकार से यह हुआ। यदि तावत अचेतनम प्रधानम अनाधिष्ठितम चेतन है न, यही ना प्रवर्तते स्वभावता एवं इति साध्यते तथा युक्तम। यदि यह कहें कि अचेतन प्रधान ही अनधिष्ठितम चेतन है न, चेतन से अधिष्ठित हुए बिना, चेतन से नियमित हुए बिना, नियंत्रित हुए बिना प्रवर्तते स्वभावता एवं जगत की संरचना में और जगत के प्रलय में स्वभाव से ही प्रवृत्त हो जाता है। या कहा अगर इस प्रकार आप सिद्ध करते हैं तो तत्युक्तम, वह पक्ष आपके द्वारा प्रस्तुत वह पक्ष अयुक्त है, माने उचित नहीं है। समन्वयादेर हेतु चेतनाधिष्ठितत्व विरुद्ध चेतनाधिष्ठितत्व मृत्सुवर्णादौ दृष्टान्त धर्मी व्याप्ते है उपलब्धे विरुद्धत्वात् नहीं मृत्सुवर्णादौ अर्वादय मृत सुवर्णादावर दर्वादय कुलाल हेमकार रथकार आदि भी अनधिष्ठिता है। कुंभ रुचक रथाद्युपादते तस्मात् कृतकत्वम इव नित्यत्व साधनाय प्रयुक्तम साध्य विरुद्धेन व्याप्तम विरुद्धम। यकः चेतन से अधिष्ठित होकर नियंत्रित होकर ही प्रधान जगत के रूप में उल्लसित विलसित परिणत हो सकता है। या कहा प्रधानं स्वतः एव चेतनानधिष्ठितं सत् प्रवर्तते समन्वितत्वात्। समन्वितत्व जो हेतु है उसमें चेतनानधिष्ठितत्व रूप साध्य के विरुद्ध चेतनाधिष्ठित्व रूप धर्म व्याप्त है, इसलिए आपका कथन उचित नहीं। हेत्वाभास है, हेत्वाभास जैसे धर्माभास होता है, धर्म सरीखा परलक्षित हो धर्म के लक्षण से रहित तो उसको धर्माभास कहते हैं। ऐसे ही हेतु रीजन कारण हेतु के सदृश परलक्षित हो हेतु के लक्षण से रहित तो उसका नाम हेत्वाभास है। यह अब उदाहरण दिया मृत सुवर्णादि का,
मृत माने मिट्टी, सुवर्ण माने सोना। मान लिया कि मिट्टी जो है घटादि कार्यों के रूप में उल्लसित होती है, परिणत होती है, लेकिन कुलाल कुंभकार जिसको कहते हैं उसे अधिष्ठित होकर ही तो उसको घट कुल्लर आदि का रूप देने के लिए कुलाल तो अपेक्षित है। ऐसे सुवर्ण जो है कटक मुकुट कुंडलादि आभूषणों के रूप में उल्लसित होता है, लेकिन स्वर्णकार जेवर बनाने वाला स्वर्णकार तो अपेक्षित है। सुवर्ण स्वर्ण या उसका वर्ण अच्छा है सुवर्ण, यह कहा। कुलाल हेमकार, हेमकार उनका नाम क्या है दादी का, हेमचंद, हाँ वाह, यहाँ हेमकार है, स्वर्णकार का नाम हेमकार और हेमचंद्र, बढ़िया। हेमचंद्र माने क्या हो गया, सूर्य और चंद्र, सोने जैसा परलक्षित हो तो सूर्य हो गया, और चंद्रमा जैसे चंद्र सूर्य चंद्र, हाँ हेमचंद्र का अर्थ हुआ सूर्य चंद्र, बढ़िया, एक साथ दोनों हो गए हेमचंद्र हैं। और सुवर्णों में भी श्रेष्ठ 14 करंट वाला मोरारजी देसाई वाला नहीं हो गए हेमचंद्र। यह हुआ कुंभ रुचक, रुचक का रथाद्य उपादत्त है, यह कुंभ घड़ा रुचक इत्यादि बर्तन विशेष, मृतिका सुवर्ण काष्ठादि जो पदार्थ हैं, कुलाल स्वर्णकार रथकार, मिट्टी को चाहिए कौन कुंभकार, सुवर्ण को चाहिए सुवर्णकार, और काष्ठादि को जो बनावे पात्र का रूप दे, त्यौहार आदि का रूप दे, वो कौन हो गया रथकार, रथकार एष्टि। एक याग विशेष होता है जिसमें बढ़ई अधिकृत होते हैं, उसका नाम रथकार एष्टि। तब प्रश्न उठाया गया ब्रह्मसूत्र आदि में मांत्रिक याग में तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अधिकृत हैं, तो ब्राह्मण होता हुआ कोई बढ़ई का काम करे तो रथकार उसको क्यों न कहें। तब वहाँ पर आया कि रूढ़ अर्थ प्रबल होता है, इसलिए रथकार का अर्थ बढ़ई जो जाति से हो कर्म से भी हो, जन्म कर्म दोनों से जो तक्षा हो बढ़ई हो उसी को लेना चाहिए। तब कहा कि विसंगति होगी तो इसका उत्तर यह वचन बलात्, रथकार एष्टि में कुंभ का रथकार बढ़ई ही अधिकृत हैं, यह रथकार एष्टि में उतने समय के लिए उनमें द्विजत्व का ब्राह्मण लोग आधान कर देते हैं। किसी पंडित ने बता दिया अलीगढ़ के बढ़े लोगों को, तो वो लोग इसी के बल पर जरे उदाहरण करने लग गए। रथकार एष्टि है, और भी है, बृहस्पति याग में केवल ब्राह्मण अधिकृत होते हैं, ब्राह्मण क्षतिवश तीनों ही मांत्रिक याग में अधिकृत हैं, लेकिन बृहस्पति सब जो है आयाग उसमें क्षत्रिय वैश्य नहीं होते। राजसी याग में केवल क्षत्रिय अधिकृत होते हैं, ब्राह्मण वैश्य नहीं, वैश्यस्त्व में केवल वैश्य अधिकृत होते हैं। इस प्रकार याल्ला दुबे में भी कोई घुस गया बालिका वत है। सामान्य रीति से परंपरा से जिनको यज्ञोपवीत प्राप्त है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों अधिकृत हैं,
लेकिन उसमें भी अगर बृहस्पति सब है याग है तो ब्राह्मण ही राजसी याग में राजा क्षत्रिय ही, और राजा हो या न हो क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ तो उसको राजा कहेंगे ही। एक बात कई वर्ष पहले फिर कहते हैं तो उसका प्रभाव पड़ेगा, धीरे धीरे पड़ता है ना। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो। अब प्रधानमंत्री जी पर प्रभाव पड़ गया या नहीं, बढ़ई बढ़ई का काम कर रहे हैं ये, अब सबका कहने लग गए, खुल के कहने लग गए क्या परंपरा प्राप्त जीविका के द्वारा स्वावलंबी होंगे। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, तो रोजगार बाहर ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं। फिर यह भी कहा कि यह तो भ्रम पैदा किया अंग्रेजों ने मुसलमानों ने कि हिंदुओं के यहाँ शूद्रों को निर्धन बनाया गया, जितने कुटीर उद्योग लघु उद्योग सब तो उन्हीं के हाथ में थे। कहा जितने कुटीर उद्योग लघु उद्योग सब तो उन्हीं के हाथ में थे, तो धन का स्रोत तो उन्हीं को दे दिया गया था, फिर निर्धन कैसे बनाया गया। तो भ्रम का निराकरण होना चाहिए। अब बहुत अच्छा हो गया, बढ़ई बढ़े का काम करें, लोहार लोहार का काम करें। प्रधानमंत्री ने कहा परंपरा प्राप्त जीविका को अपनावें तो आर्थिक संकट से बच जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, अर्थ का स्रोत तो यही है ना, अच्छा है। उसको अब क्रियान्वयन का रूप प्रदान किया जा रहा है, तो बोलना चाहिए ना। बोलेंगे नहीं तो इन नेताओं का ध्यान कैसे जाएगा। पहले कहते थे मान्य महोदय स्मार्ट सिटी, फिर कहने लगे स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी, अब कहना बंद कर दिया तो गुणग्राही होंगे। स्मार्ट सिटी, स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी, ये सब नाम ही है ना। महानगर में निवास करने के लिए आजकल दौड़ते हैं वनवासी भी, गांव में रहने वाले भी, छोटे कस्बे में रहने वाले, महानगर 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 क्या है जी। महानगर में शुद्ध मिट्टी नहीं, शुद्ध पानी नहीं, शुद्ध प्रकाश नहीं, शुद्ध पवन नहीं, प्रचुर आकाश नहीं, शुद्ध मनोभाव नहीं, शुद्ध मुस्कान नहीं, संयुक्त परिवार नहीं, क्या कुल गुरु नहीं, कुल देवता नहीं, कुल आचार नहीं, तो म्लेच्छ स्वभाव की प्राप्ति हुई या नहीं, संयुक्त परिवार का लोप हो जाता है। इसलिए महानगर विभीषिका है या विकास का मापदंड है। पलायन पलायन पलायन, वन से पलायन, वृक्ष कट गए, गांव से पलायन, गांव लूट गए, होते होते फिर छोटे कस्बे से पलायन। अब महानगर का अर्थ होता है प्रतिक्षण मौत। विश्व में सबसे घातक महानगर के रूप में दिल्ली, पर्यावरण की दृष्टि से सबसे ज़्यादा घातक अब दिल्ली सिद्ध हो गई। भागते चलो दिल्ली, जाते चलो। इसलिए अंत में कितनी चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास, अब वही पर्ण कुटी और प्राची दिक्की और हो कमरे का मुख, सारी बात घुमा फिरा के वही ले रहे। काष्ठ वाला मकान, मिट्टी वाला मकान घुमा फिरा के, जिसको के जिसकी निंदा करते थे घुमा फिरा कर, विकास की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से उन्हीं सबको अपना रहे। अब बहुत अच्छा, मुस्लिम घर के देवियों ने क्रांति शुरू कर दी है। हिंदुओं के यहाँ देखिए मातृशक्ति का कितना सम्मान है, और हम लोगों को देखिए कितना हमारे साथ अत्याचार है। इसलिए हिंदू धर्म ही स्वीकार करना चाहिए। अब वहाँ से आवाज़ आने लगी, मुल्ला लोग क्या करेंगे किसको रोक सकते हैं। कुलाल हेमकार, बहुत बढ़िया, हेमकार रथकार, कुलाल कौन हो गया,
मिट्टी से घट आदि को बनाने वाला हेमकार क्या हो गया? स्वर्णकार। स्वर्णकार माने हेमकार, सोने से आभूषण पात्र इत्यादि को बनाने वाला। रथकार कौन हो गया? काष्ठ से रथ इत्यादि को बनाने वाला यह हुआ। कार क्यों कहते हैं? काष्ठ से तो बहुत से केवार इत्यादि बनाते हैं, फिर रथकार नाम क्यों हो गया? हाँ, जगह इसलिए रथकार नाम हो गया। ठीक का बढ़िया, जगन्नाथ जी का रथ बनाते हैं इसलिए रथकार हो गए। ठीक है, हलवाई तो पचासों मिठाई बनाता, हलवाई का नाम हलवाई क्यों हुआ? उस समय के व्यक्ति हलवा को सबसे पसंद करते होंगे मिठाई, इसलिए नाम हलवाई। हलवा ही एक मिठाई थोड़े है, नाम तो हो गया हलवाई। ऐसे रथकार बढ़ई अनेकों प्रकार के काष्ठ की सामग्री बनाते, अनेकों प्रकार की केवार इत्यादि, नाम हो गया रथकार। सबसे कारीगरी उन्नत कला रथ बनाने में है, इसलिए रथकार हो गया। रथ को बनाने वाला यह तो ठीक है, नाम भी विचित्र है। कुलाल कुंभकार हो गया, हेमकार माने रथकार में तो हुआ रथ बनाने वाला, हेमकार माने हेम सोना बनाने वाला, सीधे अर्थ तो यही होगा। तो यहाँ अर्थ का क्या करना पड़ेगा? सोना से सुवर्ण से विविध आभूषण बर्तन बनाने वाला। देखिए रथकार में तो रथकार का अर्थ क्या करेंगे? रथ बनाने वाला। देखो हेमकार माने का अर्थ उसी ढंग से करेंगे तो सोना बनाने वाला। सोना बनाने वाला अगर होगा यह नहीं, इसलिए अर्थ प्रसंगानुसार अलग अलग होगा ना। रथकार का अर्थ तो हो गया रथ बनाने वाला, हेमकार का अर्थ तो फिर होना चाहिए सोना बनाने वाला। सोना बनाने वाले कौन होते हैं? उपनिषद में लिखा, एक ही उपनिषद में है, सिद्ध जो योगी होते हैं, बुरा न मानो होली है, हमारी परीक्षा मत लेना। सिद्ध जो योगी होते हैं उनके मल मूत्र सोना बन जाते हैं, उपनिषद में लिखा। मलमूत्र में भी अंतर हुआ या नहीं? सिद्ध योगी के मलमूत्र सुवर्ण बन जाते हैं, अगर काष्ठ इत्यादि पर लोहा पर लेप कर दें तो अभी सुवर्ण हो जाए। कहाँ लिखा है? उपनिषद में लिखा है, अलग अलग है। ऐसे ही कुलाल हेमकार, हेमकार माने सुवर्ण को विविध आभूषण और पात्र का रूप देने वाला, न कि सोना बनाने वाला। रथकार का अर्थ हुआ रथ बनाने वाला, रथकार। या बताया था न कि व्यवहार में अनुभव भी चाहिए। उड़िया बाबा जी वृंदावन में रहते थे, पूर्णानंद तीर्थ नाम थे, उड़ीसा की परंपरा। उनका एक शिष्य था हाथरस में सुनार, उसे कहा कि भाई सोने के वो बना दो, ये जो पहनते हैं ना क्या माला बना दो, चेन क्या बोलते हैं ऐसे। लेकिन क्या कह दिया मालूम है? सुनारों की प्रसिद्धि बेईमान के रूप में है, तो मैं तुम्हारा गुरु हूँ, ईमानदारी का परिचय देना, दूसरी धातु बिल्कुल मत मिलाना। और समझ गया कि बाबा को व्यवहार का अनुभव नहीं है। केवल सोने के ही आभूषण बनाएंगे तो टिकाऊ होगा क्या? माला थोड़े दिन में टूट गई, बेईमानी। हमने पहले कहा था ना, सुनार बेईमान होते हैं। अब ईमानदारी का परिचय देना, ऐसी माला बनाओ सोने की टूटे नहीं। वो समझ गया कि बाबा को व्यवहार का ज्ञान नहीं है। माला बनाने के लिए जितना अंश विजाति द्रव्य का डालना चाहिए डाल के माला बना दी, 6 महीने में भी नहीं टूटी। अरे बहुत ईमानदार हो, पहले तुमने बेईमानी की। उन्होंने कहा नहीं, पहले ईमानदारी का परिचय दिया, बाद में बेईमानी का।
बेईमानी दोनों में नहीं है। कि क्या बात है, आपको नहीं मालूम व्यवहार केवल सुवर्ण के की माला बना देंगे, अधिक टिकाऊ नहीं, टूट जाएगी माला। उचित अंश में अन्य द्रव्य को डालना। जब आपने कहा कि टूटे नहीं तो हमने उचित अंश डाल दिया। आपने पहले कहा कि बेईमान तो व्यवहार का भी ज्ञान होना चाहिए, इसलिए बहुत बढ़िया। क्या आया है ग्रंथों में? घी, हाँ बच्चा है बहुत बढ़िया, घी कोई पी ले उतना स्वाद होगा। और घी को अगर बेसन आदि के योग से लड्डू आदि के साथ स्वाद बढ़ेगा या नहीं? सीधे घी पी लोगे तो उतना स्वादिष्ट नहीं होगा। और घी को, हाँ वाह मुँह से लड्डू और घी को अगर बेसन आदि के योग से सब्जी आदि में डाल करके पाएंगे तो स्वाद होगा या नहीं? इसलिए किस वस्तु की उपयोगिता मिलावट से होती है, किस व्यक्ति वस्तु की उपयोगिता बिना मिलावट के होती है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। सीधे घी पे लेंगे बिल्कुल जी तो क्या होगा, उतना स्वादिष्ट नहीं होगा। लेकिन सब्जी आदि के माध्यम से घी पाएंगे तो स्वादिष्ट होगा। इसलिए कभी कभी क्या, कभी कभी संघ बल से दूसरे के योग से व्यक्ति का महत्व बढ़ता है, केवल अपने योग से उतना महत्व नहीं बनता। जैसे कि घी उतना स्वादिष्ट नहीं होगा घी पी लेंगे तो, लेकिन घी अगर सब्जी आदि के माध्यम से पाएंगे तो स्वाद तो बढ़ जाएगा, घी भी कम खर्च होगा स्वाद भी बढ़ जाएगा। इसलिए व्यवहार भी है। कुलाल हेमकार रथकार आदि भी अनधिष्ठिता है। कुंभ रुचका रुचक रथा दीपपादते तस्मात् कृतकत्वमेव नित्यत्व साधनाय प्रयुक्तम साध्य विरुद्धे न व्याप्तम विरुद्धम। यह मृत्तिका सुवर्ण काष्ठादि जो पदार्थ हैं एक एक को लेकर, मिट्टी कुलाल मिट्टी उपादान कारण तो हो सकती है लेकिन कुंभकार ही उसे घटादि का रूप प्रदान कर सकता है, उसे निमित्त कारण चेतन की अपेक्षा है। सुवर्ण कटक मुकुट कुंडल पात्र विशेष का रूप तो धारण कर सकता है लेकिन तत्त्व पात्र का रूप या आभूषण का रूप प्रदान करने वाला सुवर्णकार हो सकता है। यह काष्ठ जो है विविध रूपों में किवाड़ इत्यादि का रूप, खिड़की आदि का रूप धारण कर सकता है, मेत इत्यादि का रूप, लाठी आदि का रूप धारण कर सकता है, इस प्रकार से भवन का रूप धारण कर सकता है, लेकिन रथकार की आवश्यकता है। चेतन से अधिष्ठित होकर ही ये सब जो वस्तुएं हैं अपनी उपयोगिता को सिद्ध करती हैं। यह अभिप्राय या का तस्मात् कृतकत्वमेव नित्यत्व साधनाय प्रयुक्तम साध्य विरुद्धेन व्याप्तम विरुद्धम। यह का नित्यत्व साधन के लिए प्रयुक्त कृतकत्व हेतु साध्य विरुद्ध है, जो कृतक होगा वो नश्वर होगा, जो बनेगा वो बिगड़ जाएगा। या नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए कृतकत्व अगर हेतु दे देंगे, अमुक नित्य है कृतक होने के कारण, तो कृतक होने का तो मृतक हो जाएगा, नित्य कैसे होगा? इसीलिए नित्यत्व की सिद्धि के लिए कृतकत्व हेतु जैसे हेतुआभास है, साध्य विरुद्ध धर्म साध्याभाव से व्याप्त होने के कारण विरुद्ध माना गया, इसका नाम है हेतुआभास। हेतु सरीखा पर लक्षित हो, हेतु के लक्षण से रहित हो, उसका नाम हेतुआभास है। ऐसे धर्म सरीखा पर लक्षित हो, सातवें स्कंद भागवत में धर्म सरीखा पर लक्षित हो और धर्म के लक्षण से रहित हो, उसका नाम क्या हो जाता है? धर्माभास। चेतन से अनधिष्ठितत्व की सिद्धि के लिए समन्वयादि हेतु विरुद्ध नाम के हेतुआभास हैं। रचनानुपत्ति
के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। पहले इस तथ्य को व्यापक रूप से स्थापित किया गया है। हाँ, सातवें स्कंद में धर्माभास, धर्म सरिखा परलक्षित हो, धर्म के लक्षण से रहित हो, धर्माभास हो गया। ऐसे हेतु सरिखा परलक्षित हो और हेतु के लक्षण से रहित हो, उसका नाम हेतुआभास हो गया। यद्युच्चेत अब तक हुआ, मान लिया कि त्रिगुणात्मक प्रधान जगत का उपादान कारण है, लेकिन स्वयं ही लुढ़कता पुरकता आकाश आदि कार्य प्रपंच का रूप धारण कर ले, संभव नहीं। फिर प्रधान को कैसे मालूम होगा कितने समय तक जगत के रूप में परिणत रहूं, अब कितने समय तक महाप्रलय की दशा में स्थित रहूं, ये सब तो प्रधान को नहीं मालूम होगा। इसलिए चेतन से अधिष्ठित होकर ही त्रिगुणात्मक प्रधान जो है जगत का उपादान कारण हो सकता है। तो पहले तो ईश्वर को निमित्त कारण मान लेना चाहिए। निमित्त कारण को मानने में ही सिर तौर परिश्रम करना पड़ता है। फिर बुद्धि की पराकाष्ठा हो तब निमित्त ही नहीं बल्कि उपादान कारण भी परमात्मा तत्व है। और बताया था आज जगत चिदाश्रित है, जगत चिद विलास है, जगत चिन्मय है, जगत चिन्मात्र है, जगत चिदाश्रित है, जगत चिद विलास है, जगत चिद विवर्त है, जगत चिन्मय है, जगत चिन्मात्र है। वेदांता प्रस्थान के अनुसार सच्चिदानंद तत्व ही तो जगत का उपादान कारण है ना। तो जड़ जिसको हम समझते हैं वो जड़ है या जड़ का आभास है क्या कोई वस्तु जड़ होगी, उपादान हो गया चेतन और कार्य हो गया जड़, कैसे संभव है? लेकिन यही होता है, निमित्त तो भगवान है ही, उपादान कारण भी भगवान है। तो आकाश जड़ ही है, वायु जड़ ही है, अग्नि जड़ ही है, जल जड़ ही है, पृथ्वी जड़ ही है, विचित्र ही बात है। उपादान कारण परमात्मा और उपादेयात्मक जो जगत है वो तो जड़ है, यह विचित्र बात है। तो जड़वत परिलक्षित है या जड़ ही है? जड़वत परिलक्षित है, लेकिन एकांत में बार बार अभ्यास करने पर वैसी दृष्टि बनती है। बोध कैसा होना चाहिए? दृष्टि पर्यवसायी बोध होना चाहिए, दृष्टि पर्यवसायी बोध होना चाहिए। परसों हमने दो तीन पहले उदाहरण दिया, हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी कर्पाती जी हमारे पढ़ा रहे थे, इतने में एक सज्जन आए, हम लोगों ने पहले उनका दर्शन नहीं किया था, बिना अवसर के ही वो बोल पड़े, महाराज इस कमरे में आपके कमरे में भूत नहीं है। न जाने पर भी हम लोग हंसी आ गई, महाराज गंभीर हो गए, उन्होंने कहा आप लोगों को हंसना नहीं चाहिए था, हमने कहा भूल हो गई, पाठ चल रहा है वेदांत का, एकाएक आके कोई कहे महाराज इस कमरे में भूत नहीं है तो हंसी तानी। महाराज ने कहा कि मालूम है ये भूत विद्या के विशेषज्ञ हैं, इनकी दृष्टि से भूत प्रेत पिशाच छिप के रह जाए संभव नहीं है। कितनी ऊंची बात कही खुशखबरी जिसको कहते हैं, महाराज आपके कमरे में भूत नहीं है। फिर पूज्य गुरुदेव ने कहा चाहे भूत विद्या का कोई विशेषज्ञ हो, प्रेत विद्या का विशेषज्ञ हो, विद्या का विशेषज्ञ होने के कारण उसको सम्मान देना चाहिए। भूत विद्या का विशेषज्ञ, प्रेत विद्या का विशेषज्ञ, हम लोगों ने कहा भूल हो गई, उन्होंने कहा
हंसी तो हमको भी आ रही थी, लेकिन हमने रो क्योंकि एकाएक बिना प्रसंग महाराज इस कमरे में भूत नहीं है। ऐसे तो हमने क्या कहा, दृष्टि पर्यवसायी बोध होना चाहिए। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय है, तत्र तत्र परम पदम। पढ़ लिया छोड़ दिया वेदांताचार्य तो प्रमाण पत्र ले लिया, उससे काम नहीं चलेगा। पढ़ा भी लो, जब तक यह दृष्टि में ना आ जाए, जहाँ दृष्टि जाए वहीं ब्रह्म प्रकट हो जाए। अस्थिभाति प्रिय, नाम रूप को कार करके अस्थिभाति प्रिय उदाहरण मैंने पिछले दिनों दिया। जल जो हो है, मान लिया तरंग बुद्बुद फैन के रूप में परिलक्षित है, तो जो जल तत्व का पारखी है, तरंग बुद्बुद फैन के रूप में भी जल परिलक्षित हो तो जल का दर्शन उसे होगा या नहीं। दूसरी बात है कि जलाकार वृत्ति बने बिना तरंगाकार बुद्बुदाकार फेनाकार वृत्ति बन सकती है क्या? सुवर्णाकार वृत्ति बने बिना सुवर्णाभूषणाकार वृत्ति बनेगी क्या? एक बहुत विचित्र बात है, ब्रह्माकार वृत्ति बने बिना भवाकार जगदाकार विषयाकार वृत्ति बन ही नहीं सकती। इसलिए निवेशार्थम न तिष्ठन्ति, सुकादि सनकादि जो हैं एक निवेश नहीं आधे निवेश पर्यंत भी ब्रह्ममयी वृत्ति के बिना नहीं रहते, उनकी सिद्ध दृष्टि। तो अभी हमने कहा दृष्टि पर्यवसायी बोध होना चाहिए, उसी का कल्याण होता है, दृष्टि पर्यवसायी बोध। 14-14 घंटे एक एक दिन में हमने अभ्यास किया निमसरण, 14-14 घंटे एक एक दिन में, एक एक दिन में 14-14 घंटे। गुरुओं का नाम लेना चाहिए, अपनी सिद्धि नहीं, गुरुओं का नाम। 1966 में, उससे पहले जब 10 साल की आयु में यज्ञोपवीत हुआ, हमारे बड़े भाई ने हमको गायत्री की दीक्षा दी, यज्ञोपवीत संस्कार कराया, वो संध्या वंदन सिखा रहे थे, उसमें एक पद आया चक्षुर मित्रस्य, मैं तो बच्चा ही था 10 साल का था। उस उन दिनों 10 साल तक जने होना हो तो लोग कहते बहुजन हुआ, अभी विवाह के समय इसका जने होगा, चिढ़ाते थे। पहले चिढ़ाते बहुजन हुआ, मैथिली में कहते बहुजन हुआ उन्हें, अब विवाह के समय इसका जने होगा। उस व्यक्ति को गांव घर में कोई स्थान ही नहीं मिलता था 10 साल की आयु तक जिसका जने ना हो जाए। हमारे पूजे बड़े भाई पढ़ा रहे थे चक्षुर मित्रस्य, मैंने पूछ दिया यहाँ मित्र किसका नाम है, उन्होंने कहा सूर्य का। उसी क्षण ऐसी बुद्धि बन गई कि भगवान सूर्य मेरे मित्र हैं। हुआ या नहीं, भगवान सूर्य को मैंने मित्र मान लिया, उन्होंने मैत्री का पूरा निर्वाह किया, और यहाँ तक कि उन्होंने गुरुपद बोध भी 1966 में एक ही वाक्य में तत्व ज्ञान भी दे दिया, तत्व निष्ठा भी दे दी। उसके बाद यहीं पुरी में गणित का ज्ञान इतना दे दिया कि 1,00,000 पृष्ठों में ग्रंथ लिखें तब गणित कितनी सामग्री मस्तिष्क में, यह भी भगवान सूर्य के द्वारा प्रदत्त है। अभी ये सब तो हो गया, एक आदेश दिया 1966 में, मैंने कहा मुझमें तो यह योग्यता नहीं है ध्यान अवस्था, उन्होंने कहा समय आने पर यह योग्यता मैं दूंगा। फिर लगभग 1 साल पहले यहाँ स्वप्न हुआ, वो योग्यता प्राप्त हो जाए तो विष्णु सहस्र नाम से अर्धनारीश्वर जी का अभिषेक करा देना। इसके अंदर वो भी जो आज्ञा दी थी, आज्ञा दी थी कि संस्कृत में काव्यबद्ध मेरे वंश का आज से अंत तक तुम वर्णन करो 66 में। मैंने कहा मुझमें तो योग्यता नहीं है, उन्होंने ध्यान अवस्था में कहा समय आने पर योग्यता दूंगा। 1 साल पहले स्वप्न हुआ, वो दिन अब नज़दीक हैं, जब वो योग्यता तो में प्राप्त हो जाए तो अर्धनारीश्वर जी का विष्णु सहस्र नाम सबसे करा देना। यह है बल्लभपुर हैं,
प्रलय का क्या हो गया? काल के संदर्भ में प्रधान को कैसे ज्ञान होगा? प्रधान को ज्ञान नहीं होगा, और जो वैनाशिक हैं, हाँ, जो वैनाशिक हैं बौद्ध इत्यादि, उनके यहाँ सृष्टि प्रलय ये प्रवाह की स्वीकार होती है उनकी। ऐसे पूर्व मीमांसकों के यहाँ नहीं है, न कदाचित अनिर्दिष्टम जगत, कभी ऐसा नहीं था, वचन भागवत का, न कदाचित अनिर्दिष्टम जगत, कभी ऐसा नहीं था कि जगत ऐसा नहीं था, उनके यहाँ वो नहीं है मीमांसक। जितने मीमांसक हुए सभी ईश्वरवादी थे, लेकिन बाहर से उन्होंने ईश्वर का निराकरण ही किया। क्यों किया? आखिर मंडन मिश्र जी वो तुषाग्नि में कौन घुस गए? कुमारी भट्ट, मंडन मिश्र जी का गुरु जी। ये सब ईश्वर के नाम पर आलस्य प्रमाद न पले, आजकल यही होता है, खूब पाप कर लिया, वह एक बार राम का नाम ले लो पर पानी पर फिर जाएगा। ईश्वर के नाम पर प्रमाद न पले, इसलिए अंदर से ईश्वर को मानते हुए भी पूर्व मीमांसक कुमारिल भट्ट इत्यादि जो थे डट के उन्होंने ईश्वर का खंडन किया। जीवन में अप्रमत्तेन वेधव्यम, प्रमाद शून्य होकर लक्ष्य का वेद करना चाहिए। तो ईश्वर का निराकरण उन्होंने क्यों किया? इसलिए कि ईश्वर के नाम पर भी प्रमाद न पले। एक हम था कोई बचपन में, आयु में 2-3 साल छोटा होगा, खेल कूद में हम लोग साथ होते थे, उसके पिता जयकांत झा होम्योपैथ के, उन दिनों होम्योपैथ के डॉक्टर बहुत कम होते थे, व्याकरणाचार्य भी थे, प्रधानाचार्य भी थे, अंग्रेजी भी बोल लेते थे, मैट्रिक तक अंग्रेजी पढ़ा, और चिकित्सक थे, होम्योपैथ के अच्छे डॉक्टर थे। उनका बेटा कहीं भी कूद पड़ता, मेरे पिताजी भाई दिया वो है ना डॉक्टर है ना, अपने पिता के नाम पर कूद पड़ता, चोट लगेगी तो पिता तो दबा देंगे। यह इसलिए ईश्वर के, जैसे पिता के नाम पर कूद पड़ता था कहीं भी, ऐसे ईश्वर के नाम पर प्रमाद ना हो जाए, इसलिए ईश्वर के प्रति आस्थान्वित होकर भी बाहर से पूर्व मीमांसकों ने ईश्वर का मंडन नहीं किया। इतना अप्रमत्त हो, कोई क्षमा करने वाला नहीं, पाप करोगे तो दंड मिलेगा ही। तो जीवन में अप्रमाद अप्रमत्तता पले, इसलिए ईश्वर का निराकरण किया। ईश्वर के नाम पर बहुत प्रमाद पलता है, ईश्वर के नाम पर प्रमाद पलता है, मूर्ति पूजा के नाम पर जीव चटोरी हो जाती। राम जी की इच्छा से, ठाकुर जी की इच्छा से आज तो मालपुआ बन जाए, हाँ फिर तो राम जी के नाम पर जीव चटोरी हो जाएगी। तो ईश्वर के नाम पर भी क्या है, प्रमाद न पले, कोई क्षमा करने वाला नहीं, पाप करोगे तो फल मिलेगा ही। जब इतने अप्रमत्तता हो जाए फिर ईश्वर को तो मानने चाहिए, ईश्वर के नाम पर भी प्रमाद न पले। रचनानुपत्य में कह दिया, यद्युच्चेत दृष्टान्त धर्मीय चेतनम तावदुपादान दृष्टम तत्र, यद्यपि तच्चेतन प्रयुक्तमपि दृश्यते तथापि तत्प्रयुक्तत्व हेतु अप्रयोजकम बहिरंगत्वात् अंतरंगम तो अचेतन तो अचैतन्य मात्र उपादानानुगतम हेतु प्रयोजकम यथा व्याप्ते दृश्यमानाया कश्चित् धर्म प्रयोजक इति यह कहा। कहा जाए कि सपक्ष भूत मृत्तिकादि स्थल पर अचेतनत्व ही उपादान कारणत्व उपलब्ध है, ठीक है, आपने निमित्त कारण के रूप में कुंभकार इत्यादि को स्वीकार किया, काष्ठ को बर्तन आदि का रूप देने के लिए बरही को स्वीकार किया, तक्षा
तक्षाधिकरणम या वर्धकी को स्वीकार किया, ऐसे स्वर्णकार को सुवर्णाभूषण बनाने के लिए स्वीकार किया, चेतन से अधिष्ठित होकर ही जड़ वस्तु क्या है कार्य का रूप धारण करने में समर्थ है। स्वतः लुढ़कते पुरकते जड़ वस्तु को ही अर्थक क्रियाकारिता का संपादन करने वाले कार्य हो जाए ऐसा नहीं, वाली कार्य हो जाए ऐसा नहीं। हाँ आप पूछिए, तीन मिनट है। क्या जगत क्या हो जाता है नश्वर, नश्वर कह रहे क्या जगत कार्य है या नहीं? ईश्वर करते कि ना सही कार्य है ना, कृतक होता है नश्वर होता है। कृतक का अर्थ क्या हुआ? कार्य नश्वर होता है। कार्य तो संख्यों के यहाँ भी है ही ना। ईश्वर प्रधान कर्तृक जगत है, प्रधानोपादानक जगत दोनों माना ना, ईश्वर को नहीं माना लेकिन जगत को कार्य माना या नहीं, कार्य की नश्वरता तो उनको मान ही है ना। ईश्वर का निराकरण किया, जगत का निराकरण तो नहीं किया, और जगत जो का निराकरण नहीं किया तो फिर क्या है? कार्य कोटि प्रविष्ट है, जगत बनता है तो जो कार्य होता है वो तो कृतक नश्वर होता ही है। कृतक माने क्या हुआ? प्रधान कर्तृक हुआ जगत ना, ईश्वर कर्तृक न मान करके प्रधान कर्तृक हुआ, अर्थात ईश्वर के जो गुण हम कहते हैं तदेक्षत सजीक्षण चक्रे शोकामयत, सारे के सारे वो गुण आ गए प्रधान में ही। इसलिए अब प्रधान को कैसा पता चलेगा, इतने वर्ष तक सृष्टि में रहे, इतने वर्ष तक प्रलय हो जाए, सृष्टि और प्रलय की मीमांसा कैसे होगी? क्योंकि सांख्यों के यहाँ तो सृष्टि और प्रलय दोनों मान्य है, ईश्वर अमान्य है। पूर्वमीमांसुओं के यहाँ प्रलय नहीं मान्य, खंड प्रलय होता है, महाप्रलय नहीं। इसलिए अगर महाप्रलय को मान लेंगे, जगत की उत्पत्ति मानेंगे, तो अनिच्छन्न ईश्वर को मानने के लिए बाध्य होंगे। इसलिए न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी, हम जगत को कार्य कोटि प्रविष्ट नहीं, न कदाचित अनिर्दिष्टम जगत, ऐसा नहीं था, कभी ऐसा नहीं था। खंड प्रलय होता रहता है, समग्र पूर्ण रूप से प्रलय नहीं होता। यह है नारायण। अरे वाह, क्या कर रहे हैं ये? बिल्कुल श्रोता है, पाठ में पाठ का चिंतन छूट जाए, शालग्राम आ जाए। हाँ क्या हुआ? शालग्राम भगवान को तांबे के पात्र में स्नान कराया जा सकता है। तांबे के पात्र में दूध रखने पर दूध हो जाता है मध्य, तो अगर तांबे के पात्र में रखें तो जल से स्नान कराएंगे, अगर दूध से स्नान कराएंगे तो ताम्र पात्र में रखा हुआ दूध मध्य समान हो जाता है, और ताम्र पात्र में अगर गर्म पानी रख दें और गर्म पानी पी लें तो घातक होता है। ताम्र पात्र में अगर पानी रख दें रात्रि में, तांबे का लोटा उसमें पानी रख दें तो बासी पानी भी बासी पानी नहीं माना जाता, लेकिन ताम्र के पात्र में दूध की सहिष्णुता नहीं है, मध्य बना जाए। गर्म पानी रख दें तांबे पात्र में, फिर पियेंगे तो मध्य का रूप घातक हो जाए। ताम्र पात्र में दूध नहीं रखना चाहिए। ताम्र वाम मार्गी जो होते हैं, मध्य का विकल्प क्या मानते हैं? ताम्र पात्र में दूध रख दिया, लेकिन ताम्र पात्र में गर्म पानी रखेंगे या ताम्र पात्र में पानी रख कर नीचे से आग सुलगाएंगे तो विष बन जाएगा। ठीक है, आप तो यही किया करिए। चलो, पात्र में रात में जल रखेंगे
उस जल से क्या सुवर्ण पूजा कर सकते हैं? हाँ, वो तो गंगा जल हो जाता, गंगा जल सदृश हो जाता। जो कुछ ताम्र पात्र में जो रात में जल रखेंगे उसे सुबह पूजा कर सकते? हाँ, वही तो कह रहे, गंगा जल हो जाता, ताम्र पात्र में रखा हुआ जल गंगा जल के सदृश हो जाता।